प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 79 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन दो ब्लॉकबस्टर मैचेस खेले गए थे। पहले मुकाबले में पुनरी पल्टन की टीम ने बंगाल वॉरियर्स को हराया एंड वहीं पे दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने गुजरात जायंट्स को एक पॉइंट से हरा दिया है। एंड इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे मैं आपको प्रो कबड्डी सीजन 9 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट बता देना चाहता हूँ, अगर आपको प्रो कबड्डी के मैचेस लाइव फ्री में देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैचेस को फ्री में लाइव देख सकते हो। @PKL2022 लाइव सर्च कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर 12 से। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 12 पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। तेलुगु टाइटंस की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है, 12 मैच हारी है। 9 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -139 का चल रहा है एंड तेलुगु टाइटंस की टीम नंबर 12 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 11 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 11 पे गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, 1 मैच टाई रहा है एंड 32 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -33 का चल रहा है एंड 32 पॉइंट्स के साथ गुजरात जायंट्स की टीम नंबर 11 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 9 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पे आ चुकी है तमिल थलाइवास की टीम। तमिल थलाइवास की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे। 35 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -22 का चल रहा है एंड तमिल थलाइवास की टीम नंबर 10 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 9 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे दबंग दिल्ली की टीम है। दबंग दिल्ली की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 7 मैच हारी है। 35 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +7 का चल रहा है एंड 35 पॉइंट्स के साथ दबंग दिल्ली की टीम नंबर 9 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 14 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे। 36 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -3 का चल रहा है एंड इसी के साथ हरियाणा स्टीलर्स की टीम नंबर 8 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 7 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पे बंगाल वॉरियर्स की टीम आ चुकी है। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे। 37 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +34 का चल रहा है एंड इसी के साथ बंगाल वॉरियर्स की टीम नंबर 7 पे है। अब यहाँ पे मैं आपको टॉप 6 टीम्स के बारे में बताऊँ। इससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने तो आप हमारे फिल्टर कबड्डी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट एंड और भी इंटरेस्टिंग कबड्डी के कॉन्टेंट होते हैं डेली वहाँ पे पोस्ट हो रही है। तो जितने भी कबड्डी के फैंस हैं मैक्सिमम फॉलो कर लीजिएगा, @FilterKabaddi सर्च करना है, नहीं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 6 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पे पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे। 38 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -22 का चल रहा है एंड पटना पायरेट्स की टीम नंबर 6 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 5 की। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पे यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है। 40 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +33 का चल रहा है एंड यूपी योद्धास की टीम नंबर 5। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 4 के। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। 43 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +19 का चल रहा है एंड 43 पॉइंट्स के साथ यू मुंबा की टीम नंबर 4 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 3 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। 43 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +63 का चल रहा है एंड 43 पॉइंट्स के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम नंबर 3 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 13 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 1 मैच टाई रहा है एंड 46 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +33 का चल रहा है एंड इसी के साथ बेंगलुरु बुल्स की टीम नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 की। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1
पे पुनडी पल्टन की टीम आ चुकी है। पुनडी पल्टन की टीम ने 14 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 2 मैचेस टाइड है 49 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस +30 का चल रहा है एंड इसी के साथ पुणे की टीम पॉइंट्स टेबल पे फिर से टॉप पे आ चुकी है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी फेवरेट टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे कौन से रैंक पे है। एंड अब बात कर लेते हैं आज के 2 मैचेस के बारे में। 2 मैचेस खेले जाएंगे, जो पहला मुकाबला यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यूमुंबा के बीच में खेला जाएगा एंड वहीं पे दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों मैचेस कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताएगा। गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए इस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।